सबसे पहले सोनगढ़ तैयार हुआ, उसकी फ्रेंचाइजी जयपुर ने ली, जयपुर की फ्रेंचाइजी कोटा आई, बांसवाड़ा आई, उदयपुर आई, अब भोपाल में उसकी फ्रेंचाइजी आ रही है। स्मारक जैसे ही शास्त्री तैयार करने का सत्र इस साल से वहाँ चालू हो रहा है, और उसी की एक फ्रेंचाइजी समझ लीजिए बॉम्बे में आई। कलकत्ता में भी इसी तरह का ग्रुप चल रहा है, जैसे आप पढ़ा रहे हो, जैसे बॉम्बे कलकत्ता में भी विद्वानों को घर घर बुलाया जाता है। एक दिन मैंने याद भी दिलाया था, मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ, मेरा अगला मिशन यही होगा कि हम यहाँ पर इतनी डिमांड करेंगे, हमारे 10 विद्वान हम जयपुर से बुला के यहाँ रखें, वे 10 विद्वान अपना व्यापार भी करें, और आपको दो दो व्यक्तियों को भी पढ़ना हो 1 घंटा आपकी सुविधा से, वे आपके पास पढ़ाने आएंगे। कई बुजुर्ग होंगे जो बिस्तर पे होंगे, उन्हें समाधि करनी है लेकिन कोई सुनाने वाला नहीं है, ऐसे कोई हों घरों में तो आप 4 विद्वान अपॉइंट कर दो, 4 टाइम आएंगे, उन्हें संबोधन करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। आप इससे बड़ा उपकार क्या कर सकते हो अपने माता पिता दादा दादी का, कि जाते जाते वो 4-6 घंटे उन्हें पढ़ने सुनने की सुविधा हो जाए। मेरा मिशन मिशन के अपन सबका भाव है, यदि आप सब इस पर तैयार हो जाओ तो मैं बहुत जल्दी स्कीम डालें अपन, और यही लोग संभालेंगे सब, मैं तो क्या संभालूंगा, मैं तो भाव नहीं भाता हूँ, लेकिन सचमुच घर घर बुलाओ, इसका लाभ लो। बहुत संपन्न फैमिली है इंदौर की, बढ़ जाते परिवार फेमस है, आज से नहीं उनके बहुत पहले से, जब उनके अशोक और विजय बढ़ जाते छोटे छोटे बच्चे थे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ने जाते थे, पाठशाला नहीं जा सकते थे तो बहुत, तो उनकी माता जी थी कुसुम बढ़ जाते, उन्होंने विद्वानों को बुलाया, विद्वानों को 1000 रुपया महीना की सैलरी दी, 1 घंटा प्रतिदिन हमारे घर में आके पाठशाला पढ़ाओ, 1000 रुपया इस बात के लिए आप हमारे बच्चों को जब उन्हें फ्री हैं उन्हें आके पढ़ा जाओ बस। फिर उनकी बहुएं आई, डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर बहुएं आई, अभी तो डॉक्टर ही थी, मैंने धर्म तो जानती नहीं थी, तो उन्होंने उन बहुओं को पढ़ाने के लिए विद्वान लगाए। मैंने बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग इंग्लिश ठीक कराना चाहते हैं उसकी ट्यूशन लगाती हैं, धन्य है वे परिवार जो अपने बच्चों के संस्कार अच्छे करने के लिए इसकी ट्यूशन लगाती है। तो ये वो ट्यूशन ही है, ऑनलाइन समझो, ऐसे समझो, वैसे समझो, लेकिन मैं तो ये भी चाह रहा हूँ कि यदि बुजुर्ग माता पिता हो तो उनकी सेवा में ये काम जल्दी से जल्दी शुरू करो, अपन फंड इकट्ठा करें इसके लिए, फंड इकट्ठा करें, सैलरी दें, छोटे छोटे अपने यहाँ जॉब दें, अपने बिजनेसों में, स्कूलों में जॉब दिला दें, ताकि 10-15 विद्वान यहाँ रहें, और 5 विद्वानों की जरूरत है तो 5 विद्वान। कल मेरे पास फिर एक यहीं पास में ठहरे हुए महाराज साहब हैं, श्वेतांबर रतन चंद जी महाराज साहब, कल मेरे कमरे में मिलने आ गए, बोलो इतनी सहजता से आ गए, हम बता नहीं सकते। मैंने तखत सही किया, मैंने आप ऊपर बिराज हो, तो बोले नहीं नहीं आप ऊपर बिराज के हमें पढ़ाओ, हम नीचे बैठ के पढ़ेंगे। हम कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं नीचे बैठा, उन्हें भी वे भी नीचे ही बैठ गए, फिर पढ़ाई हुई, चर्चा हुई, उन्होंने बोला हम पढ़ना चाहते हैं। मैं लंबे समय तक यहाँ रुक रहा हूँ,
पढ़ने के लिए यहाँ रुकना चाहते हो। तो फिर मैंने उनका फ़ोन नंबर, जो व्यवस्थापक है उनका फ़ोन नंबर लिया है, नाम लिया है, आप लोगों में से जो विद्वान उनके पास जाके पढ़ा सकते हैं उनकी व्यवस्था कराओ। अरे तो महाभाग है कि कोई हमसे तत्वज्ञान लेना चाहता है, तो जो भी जाएं व्यवस्था करो। मैंने बता दिया इनको, फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया है, आप पढ़ाएं उनको। चलिए समय तो बहुत हो गया, अब 15 मिनट की क्लास तो ले लूँ, नहीं लूँ आधा घंटा ले लें, चलो ठीक है, क्योंकि लेट हो गए। और इस मामले में भी मुझे एक बात कहने की इच्छा हो रही है, अगली बार जब कभी विधान कराएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वक्ता कौन है। मैं केवल भोजन के टाइम पानी लेता हूँ अभी, इसलिए जानबूझ के बता रहा हूँ कि ये अपने को विचार आना चाहिए, गर्मी ना बढ़ जाए। अब मैं 12 बजे जाके भोजन करूँगा, फिर वे लोग कब भोजन करेंगे घर वाले, मैं 12:30 बजे उनके घर से निकलूँगा, मैं महिलाएँ कब भोजन करेंगी। कल मैंने बच्चियों से पूछा जिनके यहाँ भोजन था, बेटा आपने भोजन कर लिया? आप विश्वास नहीं करेंगे, 12:30 बजे तक शुद्ध कपड़े पहने खड़े रहे, वो पानी तक नहीं पिया, भोजन नहीं किया, मेरी वजह से फिर वो लेट होंगे। फिर जेंट्स खाएंगे, लेडीज भोजन मतलब लेडीज भोजन करेंगी, कब तक होगा? फिर 2 बजे कैसे आएंगे? ऐसे में भक्ति शॉर्ट कर दो। इतना बड़ा शांति पाठ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, संस्कृत का पढ़ लो 4 लाइन वाला, कोई हमसे कुछ नहीं कह रहा, छोटा पढ़ दो। भक्ति होती रहेगी छोटी बड़ी, बाद में बहुत होती रहेगी। हमारा मतलब है कि इन बातों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो भाई जी जितने जतीश भाई जी इस मामले में देखो, आप सबको इसलिए कहता हूँ कि सभी लोग कभी भी ना कभी गाइड करो तो इस तरह से करना और अच्छे से करना। ये बाजे वालों को बोल देना भैया कोई बाहर हो कि अभी डिस्टर्ब ना करें, है ना, बोल देना जरा कोई बाहर हो सुन रहा हो हमारी आवाज़। तो आइए ओम नमः सिद्धदेव। इतने इंस्ट्रक्शन मुझे देना नहीं चाहिए, 15 मिनट बेकार खराब हो गए अपने। चलिए अपन बात करें, अन्योन्य भाव की चर्चा है। अन्योन्य भाव को यदि हम संधि तोड़ेंगे तो अन्य अन्य भाव, अन्य अन्य को प्लस करेंगे तो या मिलकर के यू हो जाते हैं, अन्योन्य अन्य अन्य भाव। अन्योन्य भाव का मतलब है अन्य अन्य भाव। एक मिनट और, मुझे विकल्प आए, बहुत सारे जवान बच्चे बैठे हैं पीछे कुर्सियों में, बेटा इधर आ मेरे पास, अच्छा अच्छा, और भी जवान बच्चे हैं जो आप स्वस्थ हो, आपके घुटने खराब नहीं हुए हैं, आप घुटने खराब करने की भावना भी मत भाव, अजय 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 संकोच नहीं कर, अजय बेटे, और भी जो अपने आप को जवान समझते हो स्वस्थ समझ, इधर आ मेरे पास आगे, इतने पीछे क्यों बैठते हो, जल्दी गैप खत्म करो, जल्दी बीच का गैप खत्म करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इधर आ बेटे फ्रंट लाइन में, जल्दी आ जाओ जल्दी, वेरी गुड, अब आया ना मजा, बहुत बढ़िया शाबाश। अब मैं आपको 15 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करना। अब अन्य अन्य भाव मीनिंग तो बहुत कम लग रहा है ना, अन्य अन्य भाव इसमें क्या रखा है? दूसरी तरफ से कहें तो दोनों अन्य अन्य भाव है, माने इसका उसमें अभाव है, इसका उसमें अभाव है, तो किसका किसमें अभाव है? तो अभी तक दो द्रव्य की चर्चा हो गई, दो पर्याय की चर्चा हो गई, लेकिन हम देखते हैं ना रोजाना, हम रोज देखते हैं दूध काय से मीठा होता है, नमक से कि शक्कर से, काय से मीठा होता है, है? हाँ जोर से बोलो, हाँ जी इसकी आवाज आ गई, पर्व की है ना, पर्व, वेरी गुड। तो शक्कर से मीठा होता है, पानी काय से खट्टा होता है, नींबू से, बराबर। अब ये सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है, और अब सर्वज्ञ भगवान ये कहने जा रहे हैं कि पानी आज तक मीठा नहीं हुआ और खारा नहीं हुआ। 24 आवर सारे वर्ल्ड को पुद्गल का अनुभव है, पुद्गल का निमित्त निमित्तिक का अनुभव है, कॉम्बिनेशन जिसको आप कहते हो, नए नए कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं, नए नए टेस्ट तैयार होते हैं, नए नए आप बहुत सारे काम करते हो भोजनशाला में और सब तमाम प्रकार के, तो सारी दुनिया को लगता है कि हाँ, यदि मैं सीधे सीधे कहता ना आज तक पानी शक्कर से मीठा नहीं हुआ, तो जो मॉडर्न पढ़ा लिखा होगा ना बेवकूफ कहीं का, पूछ लो पूछ लो, लगता है सुमत प्रकाश का ही पानी दूध से शक्कर से मीठा नहीं होता होगा। सुना वर्ल्ड की कोई ताकत नहीं है जो दूध में पानी मिला सके, देखो दूध वाले मिला रहे। अब इतनी बात के बीच में एक मिनट का इंटरवल ले रहा हूं एक डायलॉग देने के लिए,
हमारी जिनवाणी में भी हम एक प्रॉब्लम है, 99% प्रवचन दिव्य ध्वनि वाणी उसका जितना प्रेजेंटेशन है ना वो इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से समझाने के लिए किया गया, तो वो लिखा भी है जिसको हम व्यवहार नहीं कहते हैं, व्यवहार नहीं लिखा भी है, हम कहते भी, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ दूध मीठा करो, लाओ शक्कर डालो दूध में, दूध मीठा हो जाए, ए खीर फीकी है शक्कर डालो, ये मैं भी कहता हूँ आप भी कहते हो। सर्वज्ञ भगवान ने दो प्रकार से दिव्य ध्वनि खिलाई है, दो प्रकार से। एक पार्ट है अतींद्रिय ज्ञान जो मात्र मोक्षगामियों को समझ में आएगी, और एक पार्ट है इंद्रिय ज्ञान जो सारे संसार को समझ में आ जाएगी। अब जी आपको फैसला करना है कि आप मोक्षगामी हो कि संसार में ही रहने वाले हो। इंद्रिय ज्ञान का पोर्शन है 99% और 1% पोर्शन ऐसा है जो इंद्रिय ज्ञान से एकदम, गुजराती में बोलो तो तद्दन जुदोच है। क्या बोला मैंने, तद्दन जुदोच है, जुदी रीच है। इंद्रिय ज्ञान वालों को, चर्म चक्षु वालों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल ये मेरी तुम्हारी बात नहीं है, सबकी बात है। एक बहुत बड़े अच्छे विद्वान हुए, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर थे, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर थे राजकोट के, डॉक्टर चंदू भाई, उनके पिताजी जज थे, ये पढ़े लिखे रिटर्न इंटेलिजेंट। अब पिताजी इनके जिद करते थे, जज थे ना, पिताजी जिद करते थे, बेटा कांजी स्वामी के प्रवचन सुना कर, तो जैसे आजकल के युवक करते ऐसे ही वो करते थे, क्या क्या बोलते, क्या है क्या है, कुछ समझ में आता नहीं है, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी का एक आज्ञाकारिता ही समझ लो कि उन्हें नहीं समझ में आता था, 2 साल तक समझ में नहीं आया, पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे कांजी स्वामी की, मजाक उड़ाते थे, कोई धर्म की बात नहीं करते, उंगली अंगूठे ने 38 न थी, ऊपर वाला ओंट नीचे वाले ओंट को 48 न थी, पेट्रोल थी मोटर हालेज न थी, ऐसे मजाक उड़ाते थे 2 साल। मैंने नाम लेके बताया, उनका नाम लेके बता रहा हूँ यहाँ पे, वो ऐसे मजाक उड़ा, 2 साल समझ में नहीं आए। बाबू भाई जी को 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, समझ में नहीं कहा कह रहे, क्या कह रहे, क्यों नहीं समझ में आया, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हम सब अभ्यस्त हैं इंद्रिय ज्ञान के, हमें जो 5 इंद्रियों से समझ में आता है ना, हम उसके अभ्यस्त हैं, और इसके प्रवचन बहुत होते हैं, पूजा करो तो मोक्ष होए, पूजा करो तो कर्म कटे, मांस खमण करो तो कर्म कटे, फला करो तो ऐसा होए, ऐसा करो तो ऐसा करो, जिसने दान दिया है वे तीर्थंकर बनते हैं, इतना प्रचार है इस बात का, 99% खूब प्रचार है, जिसने ऐसा व्रत किया देखो अगले जन्म में, इसने सील सप्तमी का वो किया, इसको सुंदर पति मिल गया, स्वाग दशमी का व्रत करने से स्वाग अमर हो जाता है, जैसे उनके अमर हो जाते हैं ऐसे यहाँ हो जाता है, ऐसी कथाओं का बहुत बहुत प्रचार है, 99% इंद्रिय ज्ञान से तुम्हें समझ में आता है। अब मेरा प्रवचन थोड़ा कठिन है आज का, लेकिन एकदम साइंटिफिक है, और आप में से एक भी माई का लाल उठ करके दुखी नहीं जाएगा, प्रवचन बड़ा है। अब मैं तैयार हो जाता हूँ, मेरा 1-2-4 मिनट का ब्रेक खत्म हुआ। एक इंद्रिय ज्ञान का है और एक अतींद्रिय ज्ञान। जब जब भी प्रवचन करने वालों से समाज की नहीं बनेगी या समाज को उनकी समझ में नहीं आएगी, उसका एक ही कारण होगा कि इंद्रिय ज्ञान अतींद्रिय ज्ञान से विमुख होता है। जितने प्रवचनकार होंगे, बड़े बड़े साधक होंगे, आचार्य होंगे, सर्वज्ञ होंगे, उनकी वाणी अतींद्रिय ज्ञान से आती है, उसे आपको समझना पड़ेगा। इंद्रिय ज्ञान को व्यवहार समझ करके ये समझना कि ये परमार्थ नहीं है, परमार्थ कुछ और है, इतना मैंने हिंट कर दिया। अब मैं वापस पढ़ा रहा हूँ, अन्योन्य भाव, अमित इसको बंद कर दो, अंदर रख ले, समझ में आया कुछ, क्या बोला मैंने, अन्योन्य भाव, अन्य अन्य भाव। अब अन्य अन्य भाव शब्द तो खत्म हो गया, दो पुद्गल की पॉइंट नोट किया जाए, परिभाषा है, दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का एक पर्याय में दूसरी पर्याय का अभाव, दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव, इसका नाम है अन्योन्य भाव। बराबर, परिभाषा समझ में आ गई। अब दो माने ऐसी नहीं, एक जे और एक ए,
इनमें तो अत्यंत अभाव है, इस हाथ का इस हाथ में तो अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। दो पुद्गल द्रव्य अलग अलग है, लेकिन सारा जगत को जहां पर दो पर्याय एक साथ दिखाई दे, इसकी पर्याय अलग दिख रही, इसकी अलग दिख रही, ये तो अत्यंत अभाव में चला गया। जहां सारे जगत को दूध में शक्कर डालने के बाद, या पानी ले लो, पानी में शक्कर डालने के बाद एक अपन ने सुई डाली, सुई, और सुई की जो पॉइंट है, सुई की पॉइंट पर जो पानी आया, वहां पर सबको ऐसा लग रहा है कि एक चीज आई, एक चीज आई, माने पानी आया, ज्यादा कहो तो मीठा पानी आया। लेकिन आचार्य देव कह रहे नहीं, यहां पर शक्कर और पानी दो आए, शक्कर पानी अभी भी शक्कर से मीठा नहीं हुआ, पानी अभी भी शक्कर से मीठा नहीं हुआ, सब्जी आज तक खारी नहीं हुई। ये अन्योन्य भाव सर्वज्ञ भगवान का बताया हुआ। मैं जानता हूं सबको ऐसा लग रहा है क्यों बेवकूफ बना रहे हो, लेकिन अब मैं आपको लेबोरेटरी टेस्ट बताता हूं। लेबोरेटरी टेस्ट आपको जानते हो, प्रत्येक वस्तु अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है, ये तो सुना होगा ना, प्रत्येक वस्तु अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ता। एक लीटर पानी में दो शेर शक्कर डालो, पूरा पानी में शक्कर घुल गई, बताओ शक्कर खत्म हो गई कि नहीं हो गई? आंख से देखो शक्कर नहीं दिखेगी, हाथ डाल के देखो शक्कर नहीं दिखेगी, कान से तो सुनने का सवाल ही नहीं है, नाक से सूंघने में नहीं मालूम पड़ेगी। हाँ एक काम हो सकता है कि उसको चखोगे तो पता लग जाएगा, लेकिन हमें तो यही लग रहा है ना सारे विश्व को शक्कर खत्म हो गई। आचार्य देव कह रहे हैं शक्कर का एक कण भी नष्ट नहीं हुआ, शक्कर का एक कण भी पानी नहीं बना, और पानी का एक बूंद भी शक्कर नहीं बनी। अब लेबोरेटरी टेस्ट कर लो, अब बॉयल करना शुरू किया महिलाओं ने, शक्कर का बूरा बनाती हैं अपने, बनाती होंगे सबके घरों में, मारवाड़ी समाज में भी बनाते होंगे। शक्कर का बूरा बनाया, एक किलो शक्कर डाली, बूरा कितना निकलता है? डेढ़ किलो। अरे बोलो ना कितना निकलता है, एक किलो। अच्छा पानी कितना निकलेगा फिर, वो यदि हम वो क्या कर लें, बाष्पीकृत कर लें उसको, भाप निकाल करके ऐसे ऐसे नलियों में से इधर इकट्ठा करें तो पानी कितना निकलेगा? अच्छा इस पानी की प्रॉपर्टी चेक करने जाएंगे तो शक्कर कितनी निकलेगी? इससे सिद्ध हो गया एक एक ही प्रदेश पर असंख्यात पुद्गल द्रव्य, असंख्यात पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश पर, और एक ही पर्याय दूसरी पर्याय को टच नहीं कर रही है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को कुछ नहीं कर पा रहा है। पॉइंट पकड़ो, एक पुद्गल वर्तमान में ही दूसरे पुद्गल को बगल में ही, बगल में नहीं, जहां जहां दूध वहीं वहीं पानी, जहां जहां शक्कर वहीं वहीं पानी। ऐसा होने पर भी शक्कर जुदी है, पानी जुदी है, पानी उस समय भी मीठा नहीं हुआ। अब इंद्रिय ज्ञान वालों को पानी पीते हो तो मिक्स करके पीते हो ना, तो दो का टेस्ट आता है, और मिथ्या दृष्टि दो को एक मानता है, ये मिथ्या दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि कैसे हो गए, ये हम समझ गए मिठास और पानी पी रहे हैं। अब जिनको भेद विज्ञान नहीं वो नहीं समझ पाते, लेकिन है ना। तो अब दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं आपको, बोलो भैया, एक तोला सोना और एक कुंटल चांदी, एक तोला सोने को चांदी में मिलाकर उबाल दें, दो उबाल दें पूरा, बॉईल करके एक मेक कर दे दें। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि एक तोला सोना दिखेगा कि नहीं दिखेगा चर्म चक्षुओं से? नहीं दिखेगा। तो भाई है क्या? नहीं, बेचने जाएंगे तो कितनी कीमत देगा? इसी मिक्स कंडीशन में बेचने जाएंगे तो एक किलो चांदी के पैसे मिलेंगे कि एक तोला के भी पैसे मिलेंगे? बोलो जल्दी से। इसका मतलब है करोड़ों उपाय करने पर भी सोना चांदी नहीं बनाया जा सका। तुम बना के बता दे, चलो बना दे। करोड़ों उपाय करके भी नमक को शक्कर नहीं बना सकते, शक्कर को नमक नहीं बना सकते, पानी को दूध नहीं बना सकते, दूध को पानी नहीं बना सकते। यदि ऐसा हो जाता ना तो गाय भैंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपन पानी का ही दूध बना लेते फटाफट। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, पानी का दूध बनावे ना कोई। नहीं समझ में आया? यदि ऐसी कोई विधि होती तो अपन क्या करते? विज्ञान ने कोई मशीन बनाई ऐसी?
विज्ञान ये तो बताता है पानी की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कंटेंट्स, दूध के कंटेंट्स क्या क्या है, ये तो बता देता है। लेकिन हाँ बोलो बोलो, एक आदिवासी मशीन बनाओ, पूरे वर्ल्ड को चैलेंज, अन्योन्य भाव का चैलेंज, मेरा नहीं, जो ये पढ़ा रहा हूं ना, इसका चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को, जाओ बना के दिखाओ। जैसे सर्वज्ञ मात्र ज्ञाता है, ऐसे ही सारा विश्व के वैज्ञानिक भी मात्र ज्ञाता है। वे गेहूं मशीन में से नहीं बना सकते, बना के बता दें। फल मशीन में से नहीं बना के दिखा, ले बटन दबाए फल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप नहीं बनाया जा सकता, एक पर्याय को दूसरे पर्याय रूप नहीं किया जा सकता, पानी को मीठा नहीं किया जा सकता। अब मैं आगे बोलूं, कैंची से कागज नहीं काट सकते आप, कैंची से बाल कटे कभी तुम्हारे? क्यों? पर तुम्हारे बाल कैंची से कटे पंडित जी? फिर तुमने आंखों में धूल झोंकी, यही तो मैं खोल खोल के आपकी आंखों में से धूल निकाल रहा हूं। ये आज तक बाल कैंची से नहीं कटे। हाँ ये बात जरूर, बाल कटने योग्य थे इसलिए कैंची से कटे, कैंची ने नहीं काटे, कटने योग्य कटे तब कैंची थी। आज तक कोई जहर से नहीं मरा, धोखा दे रहे। देखो सुनो, जहर खाने वाले मरे जरूर हैं, लेकिन जहर ने नहीं मारा। यदि जहर मारता तो सबके घरों में जहर है मान लो, और इतनी विश्व में जहर तो मर ही जाती सारे सारे। जहर नहीं मारता, तुम मरते हो तो जहर निमित्त है। आपको कुछ समझ में आ रहा है फायदा क्या निकलेगा इससे? इसका मतलब अब हमें जहर का डर नहीं रहा, खाने के लिए नहीं कह रहे अरे जहर हो तो होने दो, हम नहीं खाएंगे, हमें बाल नहीं काटने तो नहीं काटेंगे, कैंची से क्या दिक्कत है, कैंची रखी रहने दो। आज तक अग्नि ने कागज को नहीं जलाया, अग्नि ने नहीं जलाया। आपने पढ़ा है इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील। अग्नि किसको जलाने में निमित्त है? ज्वलनशील, जलने योग्य पदार्थ को जलने में निमित्त है वो। एक काम करो, घी को मीठा करके बताओ शक्कर से, तेल को मीठा करके बताओ शक्कर से, अब वो घुलनशील नहीं है, उसमें डाइल्यूट नहीं हो सकता, उसमें तो मीठा नहीं होता है, करके दिखाओ। नहीं तो तुम एक काम करो पंडित जी, हमारे रसगुल्ला बनाओ, हम पानी की चाशनी नहीं बनाएंगे, हम पैसे वाले आदमी हैं, राष्ट्रपति महामहिम, हमारे यहाँ अट पैरा घी लाओ 2000 रुपये किलो का, और उसमें शक्कर डाल के सीरा बनाओ चाशनी, और उसमें रसगुल्ले बनाओ। वो अन्योन्य भाव कहता है तुम हो गए अपने घर के राष्ट्रपति, हो गए तुम पैसे वाले, इसमें नहीं चलती। आए अब तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा कुछ? इसका मतलब एक, ए सुनो सुनो सुनो, जी पुद्गल में कुछ कर सकता है, ये तो उड़ गया अत्यंत भाव में। अरे एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता, वर्तमान पर्याय में भी अन्योन्य भाव है। ये है द्रगुण पर्याय की चरम स्वतंत्रता। अब 2 मिनट फिर ब्रेक ले रहा हूं, मन नहीं लग रहा अमित, पानी पी के जा जल्दी, जाना जल्दी उठ, फिर मुझे देखें, बहुत काम की बात पढ़ा रहे, तुम कुछ और सोच रहे हो, विमान तो जाएगा, चिंता नहीं करो। कई बार जो व्यवस्थापक होते हैं उनका दिमाग में वो द्रगुण पर्याय नहीं दिखता लेकिन बहुत मजे से एक बात कहते हैं हमारे पंडित साहब, ड्राइवर के पास बैठो तो नींद नहीं लेना चाहिए, नींद नहीं ले रहे हालांकि ये, लेकिन चिंतन में डूबे हुए, आगे बैठना माने गणधर जैसा बात है, वो तो उपयोग लगाओ आप। अब मस्ती बात सुनो, मस्ती की बात देखो, सारे सारे लोग, तुम ही बच्चे लोग कहते हो, युवा लोग मेरे पास आगे, पंडित जी जैन धर्म में दम होती तो सब मानती, जैन धर्म बहुत अच्छा था तो सारे विश्व में फैल जाता। क्यों नहीं फैला? उसका कारण तो बता दिया कि 99% इंद्रिय ज्ञान वाले हैं, ये अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, नंबर वन। नंबर दो, पूरे विश्व को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन चाहिए सर्वमान्य होने के लिए, हम संस्कृत प्राकृत हिंदी में हैं। अब यही बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो जाएं इंग्लिश मीडियम के, और इसका प्रेजेंटेशन दे दे जो मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, सारा वर्ल्ड मानेगा। एक एक आप तैयार भर हो जाओ ना, वर्ल्ड मान्य हो जाए तो कह देना। आइए मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में बताऊँगा, आप इंग्लिश में बता देना दुनिया को। वर्ल्ड में जितना विज्ञान देख रहे हो वो अन्योन्य भाव का कमाल है,
जितनी महिमा तुम्हें आ रही है, जितनी महिमा, वो सारा का सारा अन्योन्य भाव का कमाल है। और अन्योन्य भाव बताने वाले हमारे सर्वक का कमाल है। कैसे कैसे, अब चलो कैसे सिद्ध तो करना पड़ेगा। कैसे, एक समय होता था जब एक फोटो खींचने के लिए बहुत मरम पट्टी होती थी, 15-15 मिनट लग जाते थे, 15-15 मिनट। एक इतना बड़ा डब्बा लेके आते थे, फिर उसके ऊपर काला कपड़ा डालते थे ऐसे अंधेरा करने के लिए, फिर 5 मिनट तक मुस्कुराते रहो। हाँ, 5 मिनट तक खड़े रहो ऐसे ही। कितनी मुश्किलों से फोटो खींचते थे स्कूलों में, हमारे ग्रुप फोटो खींचता था, बड़ी मुश्किल से खींचता था वो। रील डालनी पड़ती थी, एक रील खराब होती थी तो आग लग जाती थी। 5 रुपए की रील खराब हो गई, 10 रुपए की रील खराब हो गई, बहुत महंगी आती थी। अब जी अभी चल रही ना जी, इसमें कोई रील मिल नहीं, पहले तो रील वाला भी आया था, क्या कहलाता वो, वीडियो रील आती थी जिसकी, वो इतनी बड़ी, उसमें लगाना पड़ता था कैसेट लगानी पड़ती थी। अब देखो कैमरे में से रील गायब हो गई, कैमरे में से, अब जो इसमें वीडियो कैमरा में से वीडियो की रील भी गायब हो गई। अब तुम्हारे मोबाइल में कितनी रील है? अब जितने है ना सारे सारे, चाहे जितने फोटो बिगड़ जाए, नो टेंशन, इतना सा भी टेंशन है, क्यों, मन कुछ नष्ट हो ही नहीं रहा। केवल केवल अन्योन्य भाव का कमाल। पहले लगता था वो ऐसे ऐसे फोटो धोने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना, बहुत बहुत मरम पट्टी थी बहुत। अब क्या हो रहा है, क्लिक फोटो निकल आया, ले ये ले फोटो। अब मैं आपसे पूछता हूँ जी, मोबाइल के अंदर अथवा जो जिसमें से फोटो निकल आती है तत्काल, 30 सेकंड के अंदर फोटो निकल आया, 3 सेकंड में फोटो निकल आया, तो 3 सेकंड में वहाँ कौन तैयार कर रहा था पेंटिंग कलर्ड, कौन कर रहा था वहाँ, है कौन? अच्छा कितने कलर रखे हैं वहाँ, कितने ब्रश रखे हैं वहाँ, कौन कौन कर रहा है ये सारा का सारा? पहले तो मैं लगता था हम फोटो खींच रहे हैं, फिर उसे लगता था मैं धो रहा हूँ, फिर मैं उसको सही कर रहा हूँ, फिर उसको मैं कलर कर रहा हूँ, पहले ऐसे होता था। अब मैं पूछता हूँ, बताओ इस विश्व में फोटो का करता कौन, बता दो कौन? इससे सिद्ध हो गए ना, प्रत्येक पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करने की शक्ति रखता है। पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक परमाणु फटाफट असंख्यात कलर में बदलने में समर्थ है अपने आप को। एक कैमरे के अंदर फटाफट कलर बदल रहे हैं, टेलीविजन में क्या देखते हो आप, कोई रील चलती है, कुछ नहीं चलती वहां भी, क्या कहलाता है, कलर ट्यूब कहलाती, कलर ट्यूब, कितने कलर भरे हैं उसमें, वो भी तुम्हें जानते होगे। ये कलर कौन बदल रहा है फटाफट, उसका प्रयोग है तुम्हारे, क्या कहलाते, चाइना की लाइट आई, चाइना की लाइट, लाइट वही की वही है, बल्ब वही का वही है, 5 सेकंड में पीला, 5 सेकंड में गुलाबी, 5 सेकंड में लाल, 5 सेकंड में नीला, ये कौन कर रहा है वहाँ, मगर रंग भरी है, बताओ रंग भरी जी, बदल कौन रहा है? अरे वही के वही परमाणु। गजब हो गया, कैसे रंग बदल रहे हैं, देखो जरा। तुम विज्ञान के चमत्कार इधर देख के मानते हो, लेकिन ये सारा का सारा हमारे शासन में, हमारे ग्रंथों में पहले से भरा हुआ है। अब दिक्कत है कि इसे प्रेजेंट करने की जरूरत है। अभी हम आपसे कहते ना तो आपको विश्वास नहीं आता। आप समझ सकते हो इस समय इसी वायुमंडल में कितनी आवाजें गूंज रही हैं, खरबों खरबों। केवल आपके फोन नंबर नहीं है इस समय, पूरे आप फोन लगाओ इधर से, वो व्यक्ति यहाँ बैठा हो तो यहाँ सुन लेगा, वहाँ हो तो वहाँ सुन लेगा, वहाँ बैठा तो वहाँ सुन लेगा, अमेरिका हो तो अमेरिका में सुन लेगा, रूस में हो तो रूस में सुन लेगा। ऐसे कितने लोग इस समय फोन कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारा फोन नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ घंटी नहीं बज रही, लेकिन आप इस फोन को लेकर कहीं चले जाओ घंटी नहीं बजेगी। अब मैं पूछता हूँ, पहले तो हमें ये लगता था कि वो तार में से आवाज आ रही है, पहले तो वायर कनेक्शन थे ना, अब तो लैंडलाइन नहीं बची, अब तो जी आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, कनेक्शन कहाँ है, कहाँ है कनेक्शन? अब आपकी भाषा में शॉर्ट में कहूँ, यहाँ पर असंख्यात वेव्स, यहाँ अलग कौन कर रहा है छांट छांट के, ए 10 डिजिट का ये नंबर अलग कर, ये 10 डिजिट का नंबर अलग कर, ये कौन कर रहा है? इस वायुमंडल में साइंस की कोई मशीन नहीं है, बताओ हुआ कोई तो, टावर वहाँ तक है, कनेक्शन सब वहाँ जो कुछ है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना। अब कौन छांट रहा है यहाँ पर, इनकी पॉकेट में रखा है मोबाइल, इसमें बदलना है, और इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया तो वहाँ स्विच ऑफ बता रही हो, यहाँ पे फला वो क्या ना क्या क्या आता रहता है जो, तो वो भाई ऐसे
बोल कौन रहा है, कर कौन रहा है? इसी वायुमंडल में अनंतों पिक्चर तैर रही हैं, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर में अन्योन्य भाव छूती नहीं है, टेंशन नहीं करती है, डिस्टर्ब नहीं करती है, इंटरफेयर नहीं करती है, कुछ नहीं करती। आप 1000 चैनल बदल बदल के देखते जाओ, कौन बदल रहा फटाफट, कहाँ से आ रही है पिक्चर? यहीं तैर रही है अनंत पिक्चर, यहीं है अनंत बातें, पूरे वायुमंडल में छाई हुई है। और कमाल की बात है, एक की वाणी दूसरी वाणी को टच नहीं कर रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही। लाखों लोग इस समय पूरे विश्व में कहीं से भी बैठकर आप इंटरनेट पर टिकट निकाल सकते हो, है ना, कहीं से भी निकाल सकते हो, बेल्जियम का, न्यूजीलैंड का, घाना का, अफ्रीका का निकाल सकते हो ना, फला ट्रेन फला से फला, विश्व में कहीं से बैठकर। अब अरबों खरबों लोग या करोड़ों लोग प्रति समय टिकट बना रहे हैं, ये कर कौन रहा है? ये एटीएम चला कौन रहा है? अकाउंट सही जगह जाकर के एंट्री जमा कौन कर रहा है? वहां से टिकट डन हो गया और तुम्हारे पास आया नहीं, नहीं हो जाता ऐसा? वहां से टिकट डन हो गया, आपके पैसे कट गए और टिकट आया ही नहीं इसमें, अब अपना दिल धड़क रहा, मर गए, हमारे पैसे गड्ढे में नहीं चले गए हो, गलत नहीं चले गए हो, टिकट तो आया ही नहीं। अपन फिर पूछते हैं कि भाई टिकट तो आया ही नहीं, तो वे बोलते हैं पंडित जी टेंशन नहीं करो, टिकट ट्रैफिक में सुरक्षित है। कहाँ है ये बात? मैंने पहली बार सुनी, इसका भी एक ट्रैफिक है? हाँ हाँ, क्या बात है, बैंकों की एंट्री का ट्रैफिक गजब। ओ आ जाता है बस, आपकी करोड़ों के लेन देन लटके हैं इधर, लटके कह रहा हूँ, लटके हैं करोड़ों के लेन देन। आप कितने विश्वसनीय हो, बैंक से डन कर देते हो, मनी ट्रांसफर कर देते हो, अकाउंट में ऐसा सब नहीं कर लेते आप? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सारे के सारी बातें क्या बता रही हैं आपको? अभी मैं आपसे कहता ना, यहाँ हाइड्रोजन अलग करना मुश्किल है, नाइट्रोजन अलग करना मुश्किल है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करना बहुत मुश्किल है। हमारे सर्व भगवान कह रहे हैं कि अलग करना मुश्किल नहीं है, अलग गजब। अब मैंने साइंस के एग्जाम्पल दे दिए इतने सारे, अब लगाते जाओ आप। पंडित जी आप ऐसा पढ़ा के पढ़ाना क्या चाह रहे थे जी बताओ? जी पढ़ाना चाह रहे कि पानी को, दूध को शक्कर तो मीठा नहीं कर पाता, और इतने सारे मिथ्या दृष्टि कह रहे नहीं समझ में, जल्दी से बोल गए। दूध मीठा कौन करता है घर में? मम्मी की पापा पर कौन मीठा करता है दूध को? अब तीन ऑप्शन दे दे रहे, मम्मी पापा शक्कर, दूध को मीठा कौन करता है? जिन्होंने शक्कर बोला फैल। अब जी है कमाल, मैं तो ये कह रहा हूं जब दूध शक्कर से ही मीठा नहीं हो तो मम्मी पापा फू, तुम टिकेगा मैदान में? जब शक्कर तो दूध में जाकर डाइल्यूट भी हुई, इसके बावजूद दूध को मीठा नहीं कर पाई, मम्मी पापा कहां से आ गए? मम्मी पापा बे खड़े, मीठे कैसे होकर दिए? अब जी सूक्ष्म टेक्नोलॉजी की बात है, आज समझ में आ गया होगा, पेट्रोल से मोटर नहीं चलती भाई साहब। तो साहब हमने तो सुना ही नहीं, हमने देखा भी, ये चल रही है। और जो तुम समझते हो 99% इंद्रिय ज्ञान है, मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान है, मिलेक्षों का मिलेक्ष ज्ञान है, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान ये पढ़ा रहे पंडित साहब। लेकिन इससे तो तुमने साइंस की सिद्धि कर दी, दुनिया की सिद्धि कर दी, हमें क्या फायदा हुआ? अब मैं फायदे की बात करके प्रवचन पूरा कर देता हूँ, क्योंकि मैंने घड़ी देख ली, टाइम पूरा करना है, मैंने पूरा हो रहा है, तेजी से पूरा हो रहा है। तो अब काम की बात सुनो, धड़ल्ले से सुनो सुनो सुनो, पूरा का पूरा चरणान योग की सिद्धि कर रहा हूँ। तुम यही तो सोचते हो संडे हो या मंडे, रोज खाओ डॉट 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 डॉट, नारा तो सुना होगा ना सर, हम क्यों बोले पंडित जी फला दवाई खाने से शरीर फूल जाता है, लेकिन फुग्गा जैसे पिचक भी जाता है। कितने ही लड़के वो क्या कहलाता है, सिक्स पैक बनाने के चक्कर में, एट पैक बनाने के चक्कर में, इधर बनाने के चक्कर में, पहले जिम से जाते हैं, महीना भर में कुछ होता तो है नहीं, दर्द बहुत होता है होता कुछ है नहीं। अब वो बार बार वो सामने फोटो लगी रहती है लंबी चौड़ी, अब जो बार बार टांगे हिला के देखता है कुछ वो अब वो बड़ा परेशान, फिर वो धीरे से जाके कहते हैं कब बनेगी, तो धीरे से एक प्रोडक्ट प्रेस करता है, आप इसको सेवन कीजिए, ओके ओके
500 जितना मुझे रेट भी नहीं मालूम, 500 ले गया गया घोल घोल के पी रहा। अब धीरे धीरे उस दवाई से फुग्गा जैसे फूल गया वो, अब ठीक रहा। अभी एक ने सुसाइड किया है, ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, अभी भोपाल में एक लड़के ने सुसाइड किया है और लिख के गया वो, ये पाउडर खाने से, जिम के पाउडर खाने से उसकी दोनों किडनी फेल हो गई। अब मैं जी नहीं सकता हूँ, मैं कब तक डायलिसिस कराऊँ। 18 साल का लड़का, कॉलेज गोइंग हमारे भोपाल का, सुसाइड करके मर गया, दोनों किडनी फेल हो गई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, लिख के रख लो, आज तक घी से किसी की हेल्थ नहीं बनी, दूध से किसी की हेल्थ नहीं बनी, टॉनिक से हेल्थ नहीं बनी, जितने विज्ञापन है फर्जी, नंबर एक के फर्जी। ये तुम्हारे पप्पू फेल हो गया, तुमने नमक नहीं खिलाया होगा, नहीं नहीं ढोर छाप विज्ञापन, वो खिलाओ शंख पुष्पी। एक काम करो, गधे को खिला दो शंख पुष्पी, और क्या क्या खिलाते हो पता नहीं बच्चों, बॉर्न बिटा, आई एम कंप्लेन बॉय, ध्यान मिला मिला के कंप्लेन बॉय। जे सब विज्ञापन से लूट लूट मारी मच रही, जे कह रहे हम बहुत खुल्लम खुल्ला कह रहे, लूट मारी मच रही। ऐसा दुनिया में कोई पेस्ट नहीं बना जो तुम्हारे दांत मजबूत कर दे, मैं लिख के दावा करता हूँ, लिख के, विश्व का कोई टूथपेस्ट नहीं है। और नहीं तो एक काम करो, तुम जितने टूथपेस्ट करने वाले हो, यहाँ कुत्ता एक तरफ से शर्ट पकड़ेगा, पैंट पकड़ेगा, जीन्स वाला तभी फटे नहीं, और एक तरफ से तुम दांत से भरोगे, बोलो, वो इधर खींचेगा तुम इधर खींचना, बोलो क्या होगा। जब जाने तुम सुअर के मुंह में से अपना पैर निकाल के दिखा दे, ऐसी बुरी हालत है। मैं क्या कहूँ, एक भी व्यक्ति को टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए, दांतों का सत्यानाश, मसूड़ों का सत्यानाश करने वाला है जी। जिस दिन मिलोगे मैं सब प्रूफ दे दूंगा, प्रूफ विद प्रूफ बात कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये आवाज़ मेरी उनके कान तक भी जा सकती है जो बेच रहे होंगे बेवकूफ रहे, लेकिन वो इसलिए खुश रहते हैं कि पंडित जी के प्रवचन 99.9% वाले सुनते ही नहीं है, वे तो बे सुनते हैं, पति पत्नी पास बदबू से उदास। और फिर टूथपेस्ट करते से आहा दूरियां नजदीकियां बन गई, वाह अरे डोर, मैंने पति पत्नी को मिलने के लिए अब टूथपेस्ट चाहिए। नहाने की साबुन वाला नहीं, फिर विज्ञापन दे दिया, फिर फलाने भी दे दिया। एक भी कॉस्मेटिक की सामग्री आपके हेल्दी नहीं है, आत्मा के लिए तो सवाल ही नहीं, आत्मा के लिए तो सवाल ही नहीं, लेकिन इस शरीर की सुंदरता के लिए भी आप मेरे साथ जिस हीरोइन का नाम लो उसके पास चलने तैयार है। विदाउट कॉस्मेटिक आप उसके देख के देखो, उसके होंठ कितने काले, उसकी जो काली हो गई साहब, स्किन बर्न हो गई, बर्न। और आपको पढ़ना हो तो एक काम करो, आप उस पर जाके पढ़ लो गूगल पे जाके कि कॉस्मेटिक लगाने का तरीका क्या है और उतारने का तरीका क्या है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। एक घंटा चार घंटा चढ़ाने के चाहिए और रोल कर देने के बाद एक से दो घंटा तक इनको उतारने में चाहिए, और यदि लगे लगे सो जाएं तो पूरी स्किन काली हो जाती है। बिलीव नहीं होता जाके देखा, मैं तो इसलिए कहता हूँ, वो चमचमाती हीरोइन है ना वो लिपि पुती, उसे देख देख करके भेल मछली के खून से बनने वाली लिपस्टिक महिलाएं लगा रही, सुअर की चर्बी से बनने वाली क्रीम, लक्मे क्रीम, लव एंड फेयर, क्या है ऐसे, केयर केयर लव एंड, अच्छा हाँ फेयर एंड लवली सॉप, जाने क्या कहलाती सॉप क्रीम पाउडर। पाउडर में क्या है, 90% पोर्शन हड्डियों का पाउडर है, चाहे टूथपेस्ट हो, टूथपेस्ट में 98% या 97% केवल हड्डियों का पाउडर है, कोई का होए, हम काय को नाम बता दें, कौन कौन के बता दें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है पाउडर में, देखे जाओ टेलकम पाउडर में होता क्या है, कंटेंट से जाके देखो। आज तो आईटीआई का जमाना है ना, खोल ले आप, हमसे क्या पूछ रहे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मुझे उनका विज्ञापन का विरोध नहीं करना है, उनके प्रोडक्ट तो बिकेंगे, क्योंकि जगत में मिथ्या दृष्टि बहुत है, संसार सागर में रहने वालों से इनका बिजनेस चलेगा, मेरे जैसे करोड़ों लोग भी बोलेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा उनका। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि स्किन खराब मत कराओ, स्किन ठीक करने के नाम पे मत कराओ कोई प्रकार की दवाइयाँ, बच्चे छिप छिप करके शरीर की ताकत बढ़ाने वाली,
गंदे नाम में लेना नहीं चाहता हूँ, जिसके विज्ञापन सारे विश्व में सबसे ज़्यादा होते हैं, रेलवे लाइन पर होते हैं, अखबारों में हर दिन होते हैं, ताकत बढ़ाने वाले, काम सेक्स बढ़ाने वाले, वासना बढ़ाने वाले, इनके चक्करों में मत पड़ो, ये बर्बाद करके रख देंगे आप। एक दिन भी कभी इनके विज्ञापन में मत पड़ो कि हमें अपने शरीर को बदलना है या भी दवाइयाँ खानी। महिलाएं अपने दिन बढ़ाने के लिए कभी दवाइयाँ मत खाओ। लिखा है, लिखा हुआ बता रहा हूँ, जवान बैल की रीढ़ की हड्डी में से निकाला हुआ पदार्थ से वो दिन बनाने वाली जो अवकाश लेने वाली दवाइयाँ होती वो उसमें होती, कभी नहीं करो। किसा फिर इंद्राणी का क्या होगा? अरे मत, बिना इंद्राणी के काम हो जाता है यहाँ। 3 दिन आराम से करो, 4 दिन आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, बिना इंद्राणी के भी जाए, इंद्राणी से अटकी नहीं कहीं। मेरा मतलब कहने का है, धर्म के नाम पर भी अपने शरीर को मत छलो। जल्दी जल्दी बात कहना, इसलिए फास्ट कर रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा? अगला स्टेप, अब तुम्हारी समाधि अच्छी होगी क्योंकि तुम्हें भरोसा हो गया ये शरीर दवाइयों से ठीक नहीं होता, एलोपैथी से ठीक नहीं होता। जिनको विश्वास जग जाएगा उनकी समाधि हो जाएगी। क्यों? अभी काय के चक्कर में पड़ी? पंडित जी डॉक्टर ने कह दिया इसके बिना ठीक नहीं होगा, भले ही वो अंडे में से दवाई बनती हो, चाहे वो लीवर ठीक करने के लिए लिव 52। लिव क्या है? एक मछली आती है, मछली, उसका लीवर का ऑयल होता है, लीवर, उसका लीवर निकाला जाता है, उसमें से ऑयल निकाला जाता है, उसका नाम है लिव 52। तो साहब उसके बिना ठीक नहीं हो सकता, धोखे में मत रहो। आप मेरे से मिल लो कभी, मैं बता दूंगा आपको, आपको जिंदगी में एक भी शरीर का अंग ठीक करने के लिए कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन एक बात अभी बता देता हूँ, लेकिन आपको 8 घंटे शारीरिक श्रम करना होगा। बीमार इसलिए हो रहे हैं, एसी कार, एसी ऑफिस, और काम करने का नाम थोड़ी कैसी हुआ, बहादुर बड़े साहब, ढोर छाप, बीमार तो हो गई, मरोगे और क्या होगा, शरीर हिल नहीं जाए। और पत्नी तो इतने प्यार से खिलाती, बादाम का हलवा, 1 चम्मच घी और मरो, तू खिलाएगी तो जहर भी खा लूंगा। खा ही रहे हो जहर, तो खा ही रहे हो, कर क्या रहे, मैंने 8 घंटा बढ़िया श्रम करो, पसीना बहाने वाला, एसी से बाहर निकलो, लाइफ स्टाइल सुधार लो, खूब खाओ, खूब पचा। लोग यहाँ से दुखी हो, मुझे करोड़ों रुपये कमाने वाले मेरे पास आते, पंडित जी मैं कुछ नहीं खाता हूँ, इंग्लिश में बोलते थोड़े से, Within 24 hours 2 chapati only। मैंने महादुर्भाग्यशाली, 2 रोटी भी नहीं खा पा रहा, काय को कमा रहा फिर करोड़ों रुपये, काय को आँखें फोड़ रहा है टीवी में, और मोट क्या कहलाता है, काय के लिए आँख फोड़ रहे उसे, कैल्शियम कमजोर हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो ही रहा है, एसिडिटी हो ही रही है, रीढ़ की हड्डी खराब हो ही रही है, और फिर वो लीवर ठीक करने के लिए आजकल पता है लीवर ट्रांसप्लांट होने लगे, पैंक्रियाज कमजोर होने लगा था, उसका भी ट्रांसप्लांट। तो एक काम कर, एक मैं बताता हूँ, सुनो, एक बच्चों का चुटकुला समझ लो, बच्चों का चुटकुला मतलब वो क्या कहलाता है, चंपक आती ना चंपक, उसमें एक वो शर्ट पहन के आया, तो बोले ये मेरी शर्ट 100 साल पुरानी है, ये तो नई लग रही है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, 100 साल पुरानी शर्ट कैसी है, पिछली बार ये बाएँ बदल दी थी, कल कॉलर बदल दी, पिछली बार ये बदल दिया था, ये बदल दिया था, समझ गए, शर्ट कितनी साल पुरानी है, नहीं समझ आया कुछ। अब ऐसे ही तुम्हारा हाल हो रहा है, आत्मा वो ही है, आंख बदल दो, लीवर बदल दो, किडनी बदल दो, गुर्दा बदल दो, हार्ट बदल दो, फला बदल दे, ये बदल दे, फिर बचा क्या तेरे पास, पैसा इसके लिए कमाए थे तूने, काहे, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कह रहे हैं हम आपको, और जिनको भी सच कहते हैं, 3.5 साल का कोर्स है, नेचुरोपैथी सीख जाओ अपने घर बैठे, आप नेचुरोपैथी का कोर्स कर लो, आप हमसे मिल लो, हम नेचुरोपैथी का कोर्स कराते 3.5 साल का, खूब खाओ, आज की तारीख मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जो खिलाओ वो खा लेंगे, आप कहो ना 250 ग्राम रबड़ी, में 250 ग्राम रबड़ी खा जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं बिगड़ेगा। और तुम ऐसे देखो, एक डॉक्टर मिली 15-20 साल पहले, मैं भोजन करने बैठा, वो मेरे बगल में बैठी, सुमत जी घी नहीं खाना चाहिए, मैं तुम मत खाओ। अरे हम जवान आदमी, हमें क्या तक, नहीं नहीं आप समझते नहीं हो, घी में कार्बोहाइड्रेट बहुत होते, फिर तेरे लिए होते, मेरे लिए नहीं होते, मैं रोज खाता हूँ 100 ग्राम घी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खिलाते नहीं वो अलग बात है, खा लूंगा। मेरा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं है कि मैं 5 रसगुल्ले भी खा लूँ, 4 रोटी भी खा लूँ, फिर खीर भी खा लूँ, और 100 ग्राम घी भी खा लूँ, और 250 ग्राम रबड़ी भी खा लूँ। जब 250 ग्राम रबड़ी खाएंगे तो फिर आगे पीछे कुछ नहीं खाएंगे, क्यों? पर्याप्त भोजन है, उसमें क्या दिक्कत है? 1 लीटर दूध पी लें सुबह, 1 लीटर शाम को। जिंदगी में आप कमजोर हो जाए तो बता देना, और कोई बीमारी हो तो बता देना। प्योर गाय का दूध 1 लीटर सुबह पी लो, 1 लीटर शाम को पी लो, दिन भर में 1 लीटर पानी पी लेना। 3 लीटर में तुम्हारा शरीर गर्मियों में अच्छा चलेगा। इस समय इतनी गर्मी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी गला मेरा इतना सा भी नहीं सूख रहा इतना बोलने पर भी, जबकि इस समय मालूम मैं कितना बोल रहा हूँ, कम से कम 12 से 14 घंटा इतना बोल रहा हूँ, तो अभी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए फिर कहता हूँ, नेचुरोपैथी मैंने समाधि, एलोपैथी के भरोसे मत रहना जिंदगी में कभी भी। एलोपैथी ICU में ले जाके मारेगा आपको। एलोपैथी में सच कहता हूँ, एक बहुत बढ़िया महिला, धर्मात्मा महिला, बीना में रहने वाली, शुद्ध खाने वाली, बाजार का कभी नहीं खाया, शुद्ध पानी पीने वाली, उनके घुटने में दर्द हो गया। अब गलती तो नहीं की थी, हम अभी नहीं बता रहे क्या गलती थी, घुटने में दर्द हो गया। डॉक्टर ने एक रुपए वाली इतनी सी गोली दी, एक गोली रोज खा लो बस खत्म। तो उन्होंने सोचा कछुआ दी, सूखी सूखी गोली है, इंजेक्शन है कुछ, मतलब वैसी तो नहीं पीने की। तो उन्होंने वो छूट रखी हुई थी, वो एक गोली खाते थे, वो बस ठीक रहता। मैंने उनको समझाया, आप गलत कर रहे हो, आपके घुटने का दर्द मुझे पता है क्यों हो रहा है, आप उधर से रोको इसे। उनने वहाँ से नहीं रोका, वो एक गोली ये। अब जी बढ़िया भैया, तुम्हारी बातें सुन के तो हमें बहुत तकलीफ होगी, ये तो एक गोली खाओ 1 सेकंड में पानी से ठीक। बाद में उनकी दोनों किडनी खराब, पहले लीवर खराब हुआ, फिर लीवर की दवाई खाई तो किडनी खराब हुई, किडनी खराब की दवाई खाई से कैंसर हो गया, बाद में तड़प तड़प के मौत हुई। जो रामायण बताई ना, ये पूछ मिल लिया ना किसी से, जी रामायण है सारी सारी। मैं ये कह रहा हूँ एलोपैथी का भरोसा नहीं करो, क्यों? अरे पाउडर से चेहरा सफ़ेद नहीं होता, दवाइयों से ठीक नहीं होती, सन असाता से बीमार होते हैं, और भक्ति करने से साता बनती है, स्वाध्याय करने से साता बनती है, परोपकार से साता बनती है, मेरी भावना भाने से, करने से, प्रैक्टिकल साता बनती है। सुनो, स्वास्थ्य वहाँ से होगा। मैं तो इसीलिए बैठा हूँ, क्यों मेरा बहुत टेंशन का विषय था। मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ, मैं दवाई कैसे खाऊँ, एलोपैथी कैसे लेऊँ, हॉस्पिटल में भर्ती कैसे होऊँ। तो 25 साल से मैं रिसर्च कर रहा था कि हमारे मुहिराज कैसे स्वस्थ रहते, हमारे ब्रह्मचारी त्यागी बाजार की दवाई नहीं खाते, दवाई अंडे नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, फिर स्वस्थ कैसे रहते हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद आज हम बैठे हैं आपके सामने, और मेरा पक्का विश्वास है मुझे कभी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन लाइफ स्टाइल देख लेना मेरी, हो अधूरा नहीं करना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फिर आप हमारे नाम पे दोष दोगे, पंडित जी आप कह रहे थे जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पद्धति मेरे से सीख लेना, और नहीं तो 3.5 साल का कोर्स का एड्रेस मेरे से ले लेना, आप कर लेना, इसके बाद आप स्वयं पर का बहुत उपकार करोगे। एलोपैथी की बात हो गई, श्रृंगार सामग्री की बात हो गई, खाने पीने में टेस्ट बाजार का सारा छूट जाएगा, अन्योन्य भाव समझ में आ जाए, तो इस तरह से तुम्हारे जीवन में दिगंबर मुनि दशा आ जाएगी। आज आप मुनि क्यों नहीं बन पा रही, क्या पता है पंडित जी, वो टेस्ट नहीं छूटता, छूटेगा, अन्योन्य भाव जानोगे तो छूटेगा। अब समय हो गया इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, ऐसे लगाते जाना अन्योन्य भाव के, बहुत सारे प्रैक्टिकल है। चले अंतिम, बोलो। शक्कर दूध को मीठा नहीं कर पाया, क्या बोल रहे, शक्कर दूध को मीठा नहीं कर पाया, तुम कर लोगे? अब चर्चा तो अधूरी रही। एक कर्म दूसरे कर्म में कुछ नहीं करता, एक बरगना दूसरे बरगना में कुछ नहीं करती। यहाँ 1 करोड़ रुपये चढ़ाया ना, 1 करोड़ रुपये मंदिर में, इससे पुण्य नहीं बंधा। रुके मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, हमने तो आज तक यही सुना था बराबर सुना था। अब लेवल अप हो गए तो ये भी सुनना पड़ेगा, तब हम 1 करोड़ देंगे ही नहीं, मत दे, तुम्हारा मोक्ष की हो जाएगा। तो आप आज जी अच्छा बता दिए पंडित जी, आज से हम लोगों का दान का त्याग कर दे, लेकिन पूरी पढ़ाई पढ़। दिगंबर मुनिराज 1 रुपये दान नहीं करते, मोक्ष जाते हैं, बोल। दिगंबर मुनिराज की तरह 1 पैसा तेरा सुखी नहीं करता तो दुखी भी नहीं करता। छोड़ दे सब खाना पीना, छोड़ दे तू, का सब छूट गया ना, अन्योन्य भाव अत्यंत भाव। सुन, जिसको भी ये बात समझ में आएगी, उनके जीवन में दिगंबर मुनि दशा और शुद्धोपयोग और केवल ज्ञान आए बिना नहीं रहेगा। तो फिर पंडित जी हम अपने पैसे का क्या करें, कि दुरुपयोग मत कर। तो फिर आप छोड़ के मर रहे हो तो सदुपयोग कर।
निपट गया चरणानियों पूरा। ले क्या बोल गए, क्या बोल गए, हमारे पुण्य के उदय से पैसा आ गया तो क्या करें कि मत दे दान, तो सब छोड़ के मरेंगे, ले लो खा जाएंगे गंदे कामों में पापों में, तो फिर क्या करें, तो सदुपयोग कर, भाई हो गया दान, हो गया परोपकार, हम मोक्ष नहीं जा पा रहे, तुम जाओ तब तक हम तुम्हारी मदद कर रहे, जाओ जाओ आप मोक्ष जाओ, ले पहुंचो, हमारे एक टाइम के आहार लेने से यदि आपको मोक्ष होता है, केवल ज्ञान होता है, तो हमारा जीवन धन्य हो गया, देव आहार दान लगाओ जैसे फिर मोक्ष होगा, हम नहीं जा पा रहे, इनमें से जो जा रहा है भेजाओ, हम उनकी अनुमोदना कर रहे, क्या दिक्कत है। इस तरह से मंदिर बन जाते हैं, इस तरह से शिविर लग जाते हैं, इस तरह से शास्त्र छप जाते हैं, और इसी तरह से आज क्या कहूँ आपको, कल रात को मैंने बोला था ना तुझे, तीर्थ से आ गए मेरे पास, पंडित जी यहाँ पर कौन सा स्कूल बता रहा था, DMGT BT कौन सा स्कूल, सबसे फेमस स्कूल है यहाँ का, बहुत करोड़पतियों के बेटे जाते हैं वहाँ, पंडित जी वहाँ ड्रग्स पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप इसका जरूर बोलो। मैं काय को बोलूँ, मेरी जैन समाज के बच्चे थोड़ी कर रहे, जो कर रहे होंगे वो यहाँ आके बैठ नहीं सकते, और जो यहाँ बैठे हैं वे कभी करेंगे नहीं, अब मैं इन्हें समझा रहा हूँ, ये समझ जाएंगे तो इनकी, अब बोलो कितना फायदा हुआ जिनके बच्चों के ड्रग्स नहीं हो, ये केवल सत्संगति में संभव है, सत्संगति के बिना कोई नहीं बचा पाएगा आपको, इसलिए खुद सत्संगति के शिविर लगाओ, पाठशाला लगाओ, जो जो कर सकते हो करो। कल रात को निमंत्रण दिया हुआ आपको द्रोणागिर पधारने का, और बीच में एक बात आ रही तो कह रहा हूँ, जिनको अपने धन का सदुपयोग करना हो, तो हम लगभग साल भर में जगह जगह 400-500 गाँव में जा करके शिविर लगाते हैं, उन गांव वालों से पैसा नहीं लेते, हम तो उनसे इतना कहते हैं हमारे विद्वान को एक टाइम दो टाइम भोजन दे देना और सोने की जगह दे देना। भिंड में तो ऐसा हुआ, फूप में हमारा विद्वान पढ़ाने गया तो सुबह से उन्होंने चाय के लिए भी नहीं पूछा, नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा, नहाने के लिए भी नहीं पूछा, पानी तक नहीं दिया, तो जब पानी नहीं मिला तब करे क्या, तो पढ़ाने गया था वहाँ गाँव में, यानी ऐसे ऐसे गाँव होते हैं, तो उन्होंने कहा क्या हमें बाल्टी मिल जाएगी, हाँ वो रखी, वो बाल्टी उठा ली, चौराहे पे जाके हैंडपम्प चला के पानी भरा, उसने नहाया धोया तैयार हो गया, मंदिर पहुंच गया, बच्चों को पूजा कराई, पाठशाला पढ़ाई, सब कराई। अब जिस दिन वो बच्चा लौट रहा था ना, उस दिन गांव वाले रो रहे थे, एक मंगलायतन का विद्यार्थी था 16 साल का, एक गांव में पढ़ाने गया, अब उस गांव में बिजली नहीं, और मई जून का समय वो बच्चा पढ़ाने गया, रात भर नींद नहीं आए, आपको क्या कहूँ, वृद्ध महिला थी दादी बराबर, वो रात भर पंखा जलती रही। अब वो बच्चा 16 साल का, ऐसे छोटा था, तो वो कह रहा दादी आप सो जाओ, आप कब तक करोगे, रात रात भर कैसे करोगे आप, कि नहीं बेटा तुम यदि बीमार हो जाओगे हमारे गांव में आकर के, तो तुम फिर कभी पढ़ाने नहीं जाओगे किसी गाँव में, इन बच्चों में कौन सुधारेगा, इस समाज में उन्नति कौन करेगा, तुम्हारे मम्मी पापा फिर तुम्हें क्यों भेजेंगे, तुम बीमार हो जाओगे तो क्यों भेजेंगे, बेटे ठंडा ही पियो, खरबूजा खाओ, अच्छे से रहो, छाछ पियो, ऐसे सगे बेटे जैसे ऐसे किया उसको। ऐसे हम बहुत सारे गांव में जा रहे हैं, पूरे देश में फैला रहे हैं, यदि आप चाहो तो एक गांव को गोद लेकर के, हम उससे राशि नहीं लेते, 8 लाख रुपये का खर्चा आता है 80 गाँव के ऊपर, तो उन गाँव में हम जरूरत पड़ती तो पूजा की पुस्तकें पहुँचाते हैं, जरूरत पड़ जाए मंदिरों में बर्तन नहीं हो तो बंदर बर्तन पहुँचाना चाहते हैं, पानी के छन्ने पहुँचाते हैं सब जगह पूजा प्रक्षाल के लिए, जगह जगह जरूरत पड़ती है वो सारी सामग्री पहुँचाते हैं, और आने जाने का किराया भी अपन बच्चों को देते हैं, खर्चा होता है। यदि आप चाहो तो मैं आपको उनका अकाउंट नंबर बता दूंगा, उस संस्था का जो वो कर रहा है, उस संस्था में आप अपने 1100 रुपये के हिसाब से, या एक गाँव को गोद लेना तो 8,000-11,000 एक गाँव का गोद लेकर आप उसमें जमा करा सकते हो। इतना सा कहना मेरा फर्ज है, मुझे पैसे नहीं चाहिए और पैसे की कमी भी नहीं, ये भी मैं कह देता हूँ। मुझे बम्बई में एक सेठ मिले, बोले पंडित जी आप बोलते हो अच्छा नहीं लगता, पैसे के लिए आपको बोलना नहीं चाहिए, शोभा नहीं देता। मैंने कहा शोभा नहीं, मुझे शर्म नहीं आती इसमें, मैं किसी को जिद नहीं करता, आज तक कभी मांगा नहीं, मैंने पिछली बार भी नहीं कहा था, यहाँ कुछ बोला ही नहीं था पिछली बार, ये तो बात याद आई, इनसे कल बात हो रही थी प्रदीप जी से, तो एकदम इन्होंने बोला कहने में कोई हर्ज नहीं, फिर भी मैं इसलिए कहता हूँ, तो मैंने उनको मना कर दिया, वो हर साल 8 लाख रुपए देने तैयार है। मैंने कहा हम ये नहीं चाह रहे कि सारे हिंदुस्तान के लोग तत्व ज्ञान की प्रभावना में 1 रुपया ना डालें, मैं चाहता हूँ एक एक बच्चा गुल्लक में से 1 रुपया डालें,
उसे दान करने की परंपरा खड़ी हो, तत्व ज्ञान की प्रभावना करने की परंपरा खड़ी हो। और हम तो चाहेंगे उन दिनों में आप आओ, हम आपको एक गाड़ी देंगे, आप उसमें निरीक्षण करो, गांव गांव जा करके आप देख करके आओ कि तत्व ज्ञान की गंगा कैसी बह रही। लगभग 25,000 से 40,000 बच्चे KKPPS के माध्यम से जो ग्रुप शिविर लग रहे हैं जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में, उसमें करीब 25,000 से 40,000 लोग उसका लाभ लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें योगदान कर सकते हैं, उसका नंबर बता देंगे। अब टाइम हो गया इसलिए पानी छानना मानना तो क्या कहें, करना पड़ेगा। बोलो, प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, आपको नलों का छन्ना बांधना भी सिखाना पड़ेगा। 99% तो थैली बांध देते हैं, बाकी लोग तो बांधते भी नहीं, ऐसे भी लोग बांधते भी नहीं, लेकिन कई लोग बांध देते हैं। पहली बात तो थैली कभी नहीं बांधना। थैली बांधने का मतलब ये है कि जैसे नदी में से तालाब में से कोई मछली जाल में फंसाता है और तड़पती हुई मछली मर जाती है, ऐसे आपके पानी की जो थैली है, गर्मी के दिनों में आप जाके देखना, उसके सारे जीव सूख सूख करके मर जाते हैं। यदि आपको तकलीफ देखनी हो तो एक काम करना, इतनी गर्मी में ये कपड़ा ओढ़ लेना आप गीला करके और बैठना पूरा, फिर आपको पता लगे तकलीफ क्या होती है। तो पहली बात तो इसका ध्यान रखें कि गर्मी मैंने पानी का छन्न थैली कभी नहीं बांधे, वो फांसी के फंदा या मछली पकड़ने जैसा भी बड़ा अपराध है, कभी नहीं करें। घर में चौके में हाथ धोने के लिए बांस बेसिन कभी नहीं लगवाएं। अब ऐसा पानी है जो टंकी कहलाती है, ऊपर टंकी हो सकता है 2 महीने में साफ होती हो, 3 महीने में साफ होती हो, बहुत बड़े साइज की हो तो लोगों को उसमें उतरना पड़ेगा, जूते चप्पल पहन के उतरना पड़ सकता है, वहाँ उसका पसीना गिर सकता है, उसे नाक आ जाए तो नाक छिनक सकता है। उस गंदी 3-3 महीने की काई लग गई, उसमें जीप लेटरिन कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, काई पड़ रही है, उससे ना धो हाथ और ना उसका पानी इस्तेमाल करो। अब क्या करें, शुरुआत यहाँ से हो रही कि आप अपने बर्तनों को राख से मांजे, नंबर एक। जितनी बीमारियाँ हो रही हैं आप डॉक्टर से पूछ लो, लगभग घर में महिलाएं बर्तन मांजने आती हैं, जो वो निरमा पाउडर लेती हैं, तीखा पाउडर या साबुन होती है, वो पाउडर ऐसे घोलती है फटाफट, 2 बर्तनों में 3 बर्तनों में पानी रखती है, धड़ाधड़, दिखाई तो देती नहीं राख। राख तो दिखाई देगी तो आपको मांजना पड़ेगा, धोना पड़ेगा 3 बार, राख तो दिखती है लेकिन साबुन नहीं दिखती। फटाफट आप देखना, धड़ 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 धड़, 3 पानी से ये धुल गए, वो चमक रहे बर्तन आप, अब कोई पहुंचने वाला नहीं है। आप एक काम करो, इस बर्तन को ले जा करके लेबोरेटरी टेस्ट कराओ, इसमें साबुन का जो तीखा कॉस्टिक पाउडर है, कॉस्टिक जिससे आंतें कटती हैं, आहार नली कटती है जिससे, वो कितना पाउडर उसमें है वो आप चेक करा लो। मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना हो तो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ लो, डॉक्टर कोई हो पैंक्रियाज का तो उससे पूछ आओ। आप कभी भी राख से बर्तन मांजे, पंडित जी राख कहाँ से मिलेगी, इसकी चिंता आप नहीं करो, मिलेगी। जहाँ चाय है वहाँ राय है। आपको पता है हरियाणा के 200 रुपये के 6 कंडे बिक रहे हैं अमेजोन पे, विदेशों से मांग आ रही है उनकी, 6 कंडे बिक रहे हैं, इतनी पॉलीथीन में बढ़िया बढ़िया सुंदर पैकिंग बना के भेज रहे हो, 6 कंडे 200 रुपये में। राख नहीं मिलेगी आपको, आप अपनी बाई से बोलो 500 की जगह 600 रुपये देंगी, राख तुम्हें लाना है, राख ला के देगी वो। जहाँ जहाँ कोयला जलता हो, जहाँ लकड़ी जलती हो, जिन गांव में जलती हो, हम तो कह रहे हैं आप में से एक व्यक्ति सप्लाई करो, जैसे अमेजन वाला बेचता तो शर्म नहीं, अपन भी शानदार लकड़ी की राख, कोयले की राख, आधा किलो का पैकेट 5 रुपये देते से बर्तन चमा चम। अरे जब रिलायंस वाला बेच सकता है, अमेजॉन बेच सकता है, अमेजॉन तुम नहीं बेच सकते, उसे नहीं, मैं राख का बिजनेस करूंगा। भाई साहब धीरू भाई अंबानी थे ना, धीरू भाई अंबानी, उन्होंने सबसे पहले काय का एक्सपोर्ट किया था पता है, यहाँ से नौकर थे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल भरते थे गाड़ियों में। लेकिन हमारे देश में ऐसी मिट्टी है जिसमें गुलाब खेलते हैं, मिट्टी नहीं, वहाँ गुलाब नहीं खेलते, तो यहाँ से मिट्टी बेचते थे, भारत की मिट्टी भेजते थे, उससे इनकम हुई उनकी, फिर उससे बढ़ते चले गए, फिर और मिट्टी भेजी, फिर और बढ़ गए, फिर जहाज भर के मिट्टी भेजी उन्होंने, फिर संपन्न हो गए। मेरा मतलब कि जो चीज़ हमारी ज़रूरत है हमारे धर्म के लिए, संस्कृति के लिए और स्वास्थ्य के लिए, उसका आप पालन करो, राख का इस्तेमाल करो,
नहीं मिले तो फिर हमसे पूछो, मैं खोल दूंगा सेंटर, मैं कर दूंगा सप्लाई, कोई दम नहीं है। राख लकड़ी की हो, कोयले की हो, दी बेस्ट है। खराब राख पत्थर के कोयले की होती है, उससे बर्तनों निशान पड़ती है। लेकिन ये दो राख अच्छी है। यदि इसका भी इस्तेमाल नहीं करना तो एक और तरीका बता देते हैं। मार्बल पाउडर आता है मार्केट में, मुझे पहले तो 30-40 रुपए की एक थैली आती थी 25-30 किलो की, हो सकता है अब 200 रुपए किलो की, 150 रुपए किलो की। हार्डवेयर की दुकान पर आपको मार्बल पाउडर मिलेगा, एक थैली ले आओ आप, साल भर चलेगी। लेकिन गलती से उसका पाउडर बर्तन मांजने के बाद बांस बेसन में मत डालना, वो चौक हो जाएगी जी। आपको ध्यान रखना है उसमें, उसे आप एक अलग से डस्टबिन बना लो, उसमें उसका पानी निकालते जाओ, उसमें डालते जाओ, आखिरी में पानी निकाल के आप डाल सकते हो कहीं भी। और वो जो आए नीचे की मिट्टी, उसे एक छोटा सा पैकेट बना लो, और जब आपकी नगर निगम सूरत की गाड़ी आए, सूखा कचरा अलग करो, गीला कचरा अलग करो, उसे आप सूखे कचरे में डाल दो, वो खाद बन जाएगी। वो गीले कचरे में डाल दो, वो खाद बन जाएगी। मेरा मतलब इतनी स्टाइल बता दी। तो एक तो बर्तन मांजने का स्टाइल सही कर लो, आप स्वस्थ रहोगे, इसकी मुझे खुशी होगी। अभी आप मैं आ जाऊँ ना तो आप डर जाओगे सबके सब, ओए पंडित जी आ गए, अब क्या करें, क्यों घर घर में बर्तन ही नहीं मज रहे, पानी का छन्ना सही नहीं। मैं तो बोल रहा था भैया पानी का छन्ना मंगाओ, ये लाए कल से कपड़ा कहाँ से लाए, कल नहीं आज ही सबको प्रभावना में बांटो, वो एक एक छन्ना, एक एक घर में छन्ना पहुँचाओ, एक एक मंदिर में वो छन्ना पहुँचाओ, उसे पानी छन्ना चाहिए, मोटा छन्ना। दो बात हो गई। अब तीसरी बात, यदि घड़े में पानी भरना है तो कपड़े की ये विशेषता होनी चाहिए कि पानी रुक करके निकले। यदि पानी धड़ाधड़ निकले जा रहा है तो वो छना ही नहीं फिर आपका। छन्ने का मतलब है पानी को थोड़ी देर रुकना चाहिए, मोटा छन्ना हो। यदि आप घड़े में पानी छान रहे हैं तो घड़े से 3 times ज़्यादा, 3 times ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए, ऐसा लंबा नहीं होना चाहिए टॉबी साइज का, चौकोर होना चाहिए। इसके बाद मोटा छन्ना हो, दोहरा करने के बाद उसमें से सूरज की किरणें आर पार ऐसी आती ना दिखाई दें, आर पार आती दिखाई नहीं दे, ऐसे नहीं आप बिल्कुल पास से देखो, बिल्कुल ऐसे तो कुछ ना कुछ तो देखेगा ही आएगा, इतनी दूर से आप देखो। यदि सूरज की किरणें आपको पारदर्शी नहीं दिखाई देती है, सूरज चमचमाता भी दिखाई दे लेकिन पूरा राउंड दिखाई ना दे, तो अच्छा छन्ना है वो, पानी रुकना चाहिए, इसकी विशेषता है। धो करके आप इसको 2 times उबलते हुए पानी में 4-4 घंटे भिगोइए, इसे कूट लीजिए, धो लीजिए अच्छी तरह से। कभी भी छन्ना सुखाएं आप तो विद इन 48 minutes इसे सूखना चाहिए, चाहे बरसात हो या गर्मी हो या ठंड हो। यदि 48 minutes के अंदर कपड़ा नहीं सूखता है आपका, तो उसमें अनंत जीव राशि हो जाती है, समूर्छन जीव राशि हो जाती है। इस कपड़े से पानी छानने लायक नहीं बचा, ना मुनिराजों के चौके के लिए, ना आपके मंदिर के लिए, उससे कुछ काम नहीं कर सकते आप। उसका उपाय यह है कि कपड़े को हमेशा सिंगल कर लीजिए आप, सिंगल, बिल्कुल सिंगल कर लीजिए इस तरह से, बिल्कुल सिंगल, और फिर उसको ऐसे निचोड़िए आप, ऐसे निचोड़िए। इसके बाद इसको लंबे आकार में नहीं सुखाइए, इस तरह से सुखाइए, सिंगल करके एकदम 2 clips लगा दीजिए, 2 clips या 3 clips लगा के एकदम सिंगल, आपका कपड़ा 48 minutes में सूख जाएगा। अब मान लो बरसात के दिन हैं, वो 48 minutes नहीं सूखेगा, मुझे पता है ये बात, कई बार 6-6 घंटा 12-12 घंटे में भी नहीं सूखता। उसका बहुत अच्छा उपाय है, आप उसे ऐसे ही निचोड़ दीजिए, और जो पानी आप ठंडों के दिनों में बरसात के दिनों में गर्म करते हो पीने के लिए, तो पानी गर्म करके जब आप उतारेंगे तो उसको उसी के ऊपर लपेट दीजिए। 15 minutes के 20 minutes के अंदर अंदर आपका वो गीला छन्ना बरसात के दिनों में सूख जाएगा। फिर भी यदि आपको लगता है हम सब पानी बॉइल नहीं करते 24 घंटे का, तो जो भी चीज़ आइटम आप गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो, कोई ना कोई आइटम, सब्जियां बनती हैं, कुछ ना कुछ होती है, यदि वो सकरी चीज़ें नहीं, आटा बेसन की चीज़ें नहीं है, तो उसको निचोड़ करके बिल्कुल सिंगल करके आप उधर उसके ऊपर तह करके रख दीजिए, पलटते जाइए, सूख जाएगा। उससे भी अच्छा उपाय, आप चूल्हे के ठीक ऊपर दीवार पर 2 कीलें ठोक दो, 2 कीलें, आप गैस जलाओगे 2-3 घंटे, उसकी जो गर्मी पैदा होगी आसपास के वातावरण में, वो 48 मिनट के अंदर अंदर छन्ने को सुखा देगी। मैंने ये है दिमाग लगाने की बात, हमें क्या लगता है चूल्हे छोड़ भाड़ में जाए, सूखे तो सूख जाए, नहीं सूखे तो नहीं सूखे, अब हमने लटका के छोड़ दिया,
मुझे तो ऐसा लग रहा है एक शिविर मुझे इसका लेना पड़ेगा कि कपड़ा कैसे धोना और कैसे सुखाना। इन जीन्स वगैरह महिलाएं ऐसे निचोड़ी ऐसे डाल दी, बरसात में 24 घंटे में भी नहीं सूखता। अब क्यों नहीं सूखता? अब एक आध दिन हमारे कपड़े देखना आप, हमारे जितने कपड़े होते हैं चाहे शर्ट हो पैंट हो आपका कुछ भी, एक कपड़ा मेरा तो खैर 5 मिनट में सूख जाता है, 5 मिनट के अंदर। मैं ऐसे सिंगल करके डालता हूँ कोई सा भी कपड़ा, मेरी धोती कपड़े कुछ भी सूखते ना शर्ट वगैरह ऐसे डालता हूँ सिंगल। आपको भी ऐसे कपड़े डालने चाहिए, आपकी कितनी भी कम जगह हो आप दिमाग लगाओगे आप सुखा लोगे इस तरह से। मान लो आपको 5 धोतियाँ सुखानी हैं और एक रस्सी है केवल, तो हमें खिड़की से लेकर के ऐसे कपड़े सुखाएंगे, ऐसे करके हमारे सारे कपड़े सूख जाएंगे। 2 रस्सी के बीच में आप कितने कपड़े सिंगल डालोगे आप सूख जाएंगे। मान लो ये पैंट है शर्ट है कुर्ता है, हम इसका एक साइड क्लिप लगाएंगे दूसरी साइड छोड़ देंगे और विंडो पे लटका देंगे इसे, विंडो में से हवा क्रॉस होगी वो इस कुर्ते के अंदर से घुसेगी इधर से नीचे से और इधर से निकलेगी, फुग्गा की तरह फूल जाएगा कुर्ता पैंट शर्ट पाजामा वो पूरा सूख जाएगा, बड़ा इजी गोइंग। मतलब आप दिमाग लगाएंगे तो सब काम होगा। तो ये तो मैंने कपड़े की थोड़ी सी बात करी, अब पानी पे वापस आओ। 3 गुना बड़ा मोटा कपड़ा रखो, अनछने पानी के हाथ आप इस छने पानी में नहीं डालें, छने पानी में नहीं डालें, एक तपेली पानी छान करके पहले निकाल ले। छानेंगे आप हाथ, अब जैसे छन्ना निकाला अपन ने तो इसमें पानी गिर रहा है, इससे हाथ धो लो आप। 3 बार हाथ धुल गए, छन्ना हटाने के बाद आपने हाथ धो लिए, अब इस तपेले में से बर्तन में से पानी इस में जीवाणु के लिए रख लो पहले से एक तपेली और दूर रखो उसको, अनछने पानी के छींटे नहीं पड़े उसे दूर रख लो आप। इसके बाद जब पूरा पानी छन गया तो अब सारे बर्तनों को ढाँक दीजिए आप, अनछना पानी या किसी तरह की धूल के कण वगैरह भी नहीं गिरे उन्हें ढाँक के रख दीजिए। कभी आप मंदिर कुएं से पानी लाएं घर पर, मैंने एक दिन देखा था एक बच्ची मोटर स्कूटर के ऊपर पानी भर के ले जा रही थी, चाबी के हाथ स्कूटर के हाथ पानी के अंदर हाथ डाल दिए हैं और फिर ढांका भी नहीं और फिर ले कर चला के चली गई, वो पानी पीने लायक नहीं बचा। मैंने हमें किसी भी कीमत पर कुएं से पानी निकालने के बाद उसे ढाँक के रख दो आप, छानने के बाद ढाँक के रख दो आप और फिर उसे ले जाओ। कई बार जीवाणु देने में गलती होती है। जीवाणु देने में गलती हो जाती है, अनछने पानी के हाथ और छने हुए घड़े में ऐसे हाथ डाल दिए और उसी से ऐसे ऐसे कर दिए, ये गलत तरीका है। आप उसी को इस तरह से नहीं करें, एक तपेली पानी अलग भरें ऐसे हाथ धो लो सबको ढाक के रख दो शुद्ध हाथों से और फिर जो पानी आपने भरा रखा हुआ था चौड़ी बाल्टी में तपेली में जिसमें भी हो इसमें पानी भरा हुआ है अभी इसे छोड़ना नहीं हमको, 10 मिनट 5 मिनट छोड़ोगे सब मर जाएंगे। कंटिन्यू पानी छानते जाइए आप, जब आपका कंटिन्यूटी रुकनी नहीं चाहिए, इसमें पानी रहना चाहिए जीवों को जिंदा रहने के लिए। ध्यान रखना हम पानी छान कर नहीं पीते हैं, हम पानी के जीवों की रक्षा करके पानी पीते हैं। अब हम ऐसे करेंगे तो ये सारा पानी इसमें आ गया, पूरा पानी इसमें आने के बाद ये तो मैं बाहर कर रहा हूँ, यदि प्रैक्टिकल करेंगे तो इसी के अंदर होगा सारा का सारा। इस तरह से अब ये छना हुआ पानी है, हाथ हमारे शुद्ध हैं छने हुए पानी से, इस तरह हम 3 बार निकालेंगे, देखते भी जाएंगे पानी पूरा सब जगह से जा रहा है कि नहीं जा रहा, यदि यहाँ से नहीं गया तो यहाँ फिर डालेंगे, यहाँ से नहीं गया तो यहाँ से डालेंगे, यहाँ नहीं गया तो यहाँ से डालेंगे। करने के बाद फिर इस कपड़े को हम उल्टा करेंगे, क्योंकि 2 साइड से पानी छना है, कपड़े की एक परत से पानी नहीं छना है, हमने 2 परत से पानी छाना है। अब हम इसको इस तरह से फिर कर लेंगे, फिर पलट करके भी इसको हमें पानी से धोना है और इधर से डालेंगे इधर से, तो दोनों साइड से पानी जाएगा, इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, ये जीवाणु हमारे इसमें स्टोर हो जाएगी। इसके बाद इसको इसमें नहीं निचोड़ना है, इसको इस बाल्टी में भी नहीं निचोड़ना है, इस पानी से हमको बाहर निचोड़ देंगे, क्योंकि हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, निकल चुका पानी, अब हम इसे निचोड़ देंगे सिंगल करके सुखाने के स्टाइल में। फिर सुखाने के लिए बिल्कुल ऐसा सिंगल कर देंगे, बिल्कुल मैंने यूँ समझो कि आपकी मसल्स पावर बढ़ेगी,
मैंने आज एक भाई से कहा था, कपड़े हमेशा इतनी ताकत से निचोड़ो, बोलूं महिलाओं को बोलूं, हार्ट अटैक नहीं चाहिए हो तो, केवल तब तक ताकत लगाओ। अब देखो अभी इसमें पानी है, देखो अभी आप आके देखो इसमें पानी नहीं दिखेगा, मुझे इसमें पानी दिख रहा है, मैं अभी चाहूँगा तो निचोड़ूंगा तो इसमें पानी निकलेगा। अभी हमारा कपड़ा अशुद्ध हो गया क्योंकि अंतर मोड़ से ज़्यादा पानी गीला कर रख दिया इन्होंने, गलती करी, इन्हें इसे सुखा कर रख देना चाहिए था, जो भी लाए हैं इसको 2 घंटा सूख जाता है, इसमें अनंत जी पड़ चुके हैं, इसलिए अभी इसमें कुछ कर नहीं सकता ज़्यादा, तो ऐसे करना। अभी जो मशीन बनाई है वो कैसी बनाई है, यदि आपके बोरिंग में से पानी आता है, बोरिंग में से तो तेज फ्लो से पानी आता है, उसमें छन्ना लगाना बड़ा कठिन काम होता है, तो हमने एक चौकोर स्टूल बनाया है, चौकोर स्टूल, नीचे एक तसला रख दो आप, तसले के अंदर आप बर्तन रखो, कोई भी पानी होगा तो पहले ढुलेगा अभी तो तसले में आ जाएगा, इसे रख दीजिए, और इतना बड़ा छन्ना, इसको चौकोर जितने साइज का वो बनाया अपन ने, क्या कहला, ग्रिल लोहे की, क्या बोलना है, मैं चौकोर ग्रिल की जो भी बोलते हो आप, उसमें इस कपड़े को अपन बांध देंगे और चारों तरफ से क्लिप लगा देंगे। एक आदमी इतना बड़ा संभाल नहीं सकता, कब तक पकड़ेगा, जीवाणी कैसे करेगा, तो उसके लिए हमने वो मशीन बनाई है, उसमें इसको लगा देंगे। अब आप हमारी जब शिविर में देखोगे ना तो बहुत सारा पानी भरना 3 घंटे कंटिन्यू इतने सारे लोगों के लिए, तो ये लगा रहेगा, उसमें पानी गिरता रहेगा, नीचे से बर्तन हटाते रहेंगे, नल की तरह नीचे से बर्तन हटाते रहेंगे, और बाद में इसकी जीवाणी इसी तरह से कर देंगे इतने चौड़े बर्तन में। इस बर्तन की जीवाणी को फिर बाल्टी होती है, मंदिरों में घरों में भी होनी चाहिए, आप खनिया धाना पधारोगे तो हम वो बाल्टी दिखाएंगे, इधर मुझे मिली नहीं वो बाल्टी, यहाँ एक छेद होता है उसमें एक रस्सी बंधी होती है, ये सारी जीवाणी हम इसमें डाल देंगे, छन्ने पानी से इसको भी 3 बार धोएंगे, जिसमें हमने जीवाणी डाली है उसको भी 3 बार धोएंगे, इसमें हम इस जीवाणी को इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर एक हुक है, इस हुक में एक रस्सी बांधेंगे और उस हुक को इस पर लटका देंगे, यहाँ का हैंडल ऐसे रखा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसा ऐसा दिखेगा ये, अब जब जैसे ही ये कुएं में जाएगा तो ये छूट जाएगा, पानी की धरातल पे जाते से ही देखो ये छूट गया। अब जी इधर लटक गई बाल्टी उल्टी, यहाँ एक क्लिप लगा हुआ है ना, वो रस्सी से बंधा हुआ, इसके बल पर ये ऊपर आ जाएगी, अब इसे बिल्कुल अनछना पानी नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसे भी 3 बार धो लेंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, आप कभी हमारे अमाइन में पधारो तो हम फिर 2-3 सूखे कपड़े भी रखते हैं, इस कपड़े को पानी खींचने की बाल्टी को भी सूखे कपड़े से पोंछेंगे, उसको इन सबको सुखाएंगे। रस्सी यदि है तो रस्सी गीली नहीं छोड़ना चाहिए, उनमें अनंत जी पड़ जाते हैं, तो जो रस्सी में पानी पड़ गया होगा तो उसे भी हम पटक पटक करके सुखाएंगे, रख देंगे जल्दी सूख जाएगी, उसका पूरा पानी निकाल देंगे। ये सारे बर्तन हम पोंछेंगे तब जाकर के हमारे पानी छानने की कुएं की विधि हुई है। नल की विधि में हम ये कहेंगे कि आप इसी विधि से छानो, नल में बांधना बड़ा कठिन है, इतना बड़ा कपड़ा या इतना मोटा कपड़ा उसमें बांधना मुश्किल, एक तो आजकल सबसे बड़ी गड़बड़ है कि दीवार से इतना सा बाहर निकलता है नल, जो आपके नल सेट है उसमें छन्ना बांधना मुश्किल, बांध दो तो पीछे से ओवरफ्लो का पानी निकल जाएगा, इसलिए हम नल की जीवाणी बताने में असमर्थ हैं। उसमें भी आप यही कर सकते हो, जितना पानी आपको पीना है या काम में लेना है इस तरह से आप छान लीजिए और इसी तरह से जीवाणी कर लीजिए। इसी बात को आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है कुछ, अब ये बात मैंने बता दी आपको, आप करें और एक आध दिन फिर हमारे पास आओ, और यदि आपको अपने घर में इतना अच्छा काम नहीं मिलता तो हमारे साथ रहो, हम आपको शुद्ध जल पिलाएंगे। इन्होंने पूछा नल की जीवाणी, प्रश्न बहुत सारे होंगे, अभी समय नहीं है, नल की जीवाणी जिनागम में लिखी नहीं है, नल के पानी की जीवाणी होना कठिन है, फिर भी बेटर देन मैं इतना कह सकता हूँ कि जहाँ साबुन का पानी जा रहा हो, मल मूत्र का पानी जा रहा हो, ऐसी जगह वो पानी मत डालिए, कम से कम ऐसा तो मत करिए। 4 फुट की हाइट पर नल है, गीला छन्ना आपने खोला, उसी से ही अनछने पानी से धो दिया आपने, और नहीं तो कितने लोगों ने तो पानी तो छानते हैं, जीवाणी नहीं करते, और भंगी वहीं ऐसे ऐसे करके निचोड़ दिया, ये 2 गलतियां नहीं करिए। उसमें भी यही करिए, पानी छान लिया मान लो आपने, तो इसी तरह शुद्ध जल से उसकी जीवाणी करिए, और शुद्ध जल को बड़े धीरे से नीचे हाथ करके
नीचे हाथ करके, मैंने कम से कम आधा फुट नीचे मैंने ऊपर से डालिए, ऐसे नहीं आपने खड़े ही खड़े डाल दी धड़ाक, चार फुट से जी मरेंगे सारे मर जाएंगे। ऐसे कुएं में भी कोई ऐसी गलती मत करो कि कपड़ा लिया 50 फुट की हाइट, 100 फुट की हाइट, 20 फुट की हाइट और वहीं से ऐसे ऐसे कर दिया इलाके। और कई लोग तो इतने प्यारे होते हैं, देख के बड़ी तकलीफ होती है, इतना सा पानी इतना सा। तो ऐसा विवेक आप पूरा रखिए, घर का पानी भी आप छान का इस्तेमाल करिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। यदि आपके घर में पानी छनता है तो आपने मुझे सबसे बड़ी दक्षिणा दी, मैं इससे बड़ा खुश होऊंगा। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी होगी 18,500 वर्ष के लिए, यदि 50 वर्ष के लिए मैंने सुरक्षा कर दी तो अगले 50 साल में फिर कोई सुमत प्रकाश आएगा और फिर सिखाएगा, फिर 50 वर्ष तक सूरज सुरक्षित रहेगा। और आप समझ गए तो आप और जा जा के समझा सकते हो, लेकिन आपको ये काम करना है। ओम नमः शिवाय।